हेलो एवरीवन यूनिट थ्री मैग्नेटिज्म का एक और वीडियो लेके आए हैं इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है वेलोसिटी सेलेक्टर क्या होता है एंड मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड इस वीडियो में हम क्या करेंगे बोर्ड क्वेश्चंस करेंगे मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर चलिए क्या आपको पता होना चाहिए सबसे पहली चीज़ आती है वेन वी इज़ परपेंडिकुलर टू बी उसमें होता है सर्कुलर मोशन ये कब है जब आपका एक चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है और अगर वी बी के परपेंडिकुलर है सर्कुलर मोशन होता है उसमें फ्रीक्वेंसी आपके आती है न्यू इक्वल टू क्यू बी बाई टू पाई एम टाइम पीरियड होता है आपका टी इज इक्ल टू टू पाई एम बाई क्यू बी रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ या हेलिक्स होता है आर इक्ल टू एम वी बाई क्यू बी ठीक है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन जो है वो इंडिपेंडेंट होती है और एनर्जी ऑफ पार्टिकल के दूसरा आपका केस आता है वी पैरल टू बी इसमें लीनियर मोशन होता है और जो लीनियर डिस्टेंस कवर्ड होता है एक रोटेशन में उसे हम पिच कहते हैं जो कि होता है टू पाई एम वी अपॉन क्यू बी ठीक है ओवरऑल मोशन हेलिकल होता है जो कि आप इस फिगर में देख सकते हैं टॉपिक रिलेटेड बोर्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन है एन अल्फा पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ टेन किलो वोल्ट एंड मूव्स अलोंग एक्स एक्सेस इट एंटर्स इन ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू टू इंटू टेन टू पावर ऑफ माइनस थ्री टेस्ला एक्टिंग अलोंग वाई एक्सेस फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स पाथ टेक एम अल्फा इज इक्वल टू सिक्स पॉइंट फोर इंटू टेन पावर ऑफ माइनस ट्वेंटी सेवन के जी तो इसमें हमें क्या गिवन है हमें वी गिवन है टेन टू द पावर ऑफ फोर वोल्ट बी इज टू इंटू टेन टू द पावर ऑफ माइनस थ्री टेस्ला एंड एम एल फाइव सिक्स पॉइंट फोर इंटू टेन टू द पावर ऑफ माइनस ट्वेंटी सेवन के जी ना रेडियस का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी ठीक है एम वी की जगह हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ टू एम के और अपॉन में बी आ जाएगा ये हमने क्यों लिखा क्योंकि मोमेंटम एम वी बराबर होता है अंडर रूट ऑफ टू एम के के ठीक है अच्छा इसे हम लिख सकते हैं वन बाय बी अंडर रूट ऑफ़ टू एम क्यू वी अपॉन क्यू स्क्वायेर ये क्यों लिखा क्योंकि आपका के जो है वो क्यू वी के बराबर होता है तो हमने क्या किया यहाँ पे वैल्यू रख दी ठीक है इस क्यू को आप अंदर ले गए तो क्यू स्क्वायर हो गया तो ये हमारे पास बनी इसे सॉल्व किया तो ये हमारे पास आता है आर इज़ इक्वल टू वन बाय बी इंटू अंडर रूट ऑफ़ टू एम वी अपॉन क्यू इसमें सारी वैल्यूज़ रखते हैं तो हमारा आर टेन मीटर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन अ रीजन हैज़ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन इट अ प्रोटॉन एंटर्स इन टू द रीजन विद विदोसिटी मेकिंग एन एंगल ऑफ फोर्टी फाइव डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन दिस रीजन द प्रोटॉन विल मूव ऑन अ पाथ हैविंग द शेप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन सर्कल स्पायरल या हेलिक्स तो इसका आंसर होगा हेलिक्स ये हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं next question an electron and a proton are moving along the same direction with the same kinetic energy they enter a uniform magnetic field acting perpendicular to their velocities the dependence of radius of their paths on their masses is r is proportional to m r is proportional to under root of m r is inversely proportional to m yeah r is inversely proportional to under root m and its answer hoga b b yani r is proportional to under root m क्यों? क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ या हेलिक्स क्या होता है आर इक्वल टू एम वी बाय क्यू बी इसे लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ टू एम के अपॉन क्यू बी जिसे लिखा जा सकता है वन बाय बी इंटू अंडर रूट ऑफ टू एम क्यू वी अपॉन क्यू स्क्वायर जिसको सॉल्व करके आता है आर इज इक्वल्स टू वन बाय बी अंडर रूट ऑफ टू एम वी अपॉन क्यू और इससे हम लिख सकते हैं आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एम जो कि हमारा बी पार्ट वाला आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन अ चार्ज पार्टिकल आफ्टर बींग एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस वी एंटर्स इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर इफ वी इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्कल विल बिकम टू आर अंडर रूट टू आर फोर आर या आर बाय अंडर रूट ऑफ टू या इसी को हम दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं अ प्रोटोन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस वी सब्जेक्टेड टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग नॉर्मल टू द वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज डबल्ड हाउ विल द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब बाय द प्रोटॉन इन द मैग्नेटिक फील्ड चेंज तो हमारे पास इसका आंसर होगा बी यानी कि अंडर रूट ऑफ टू आर ये कैसे आया देखिए आर इज इक्वल टू होता है वन बाय बी इंटू अंडर रूट ऑफ टू एम वी अपॉन क्यू इसमें ये कैसे आया ये आप इससे समझ सकते हैं ऑलरेडी दो क्वेश्चन में पहले समझा चुका हूँ अच्छा यहाँ हमें दिया गया है वी डैश इज इक्वल टू टू वी जो कि क्वेश्चन में ही गिवन है तो अगर हम पुट करें तो आर डैश इज इक्वल टू वन बाय बी इंटू अंडर रूट ऑफ़ टू एम वी डैश बाई क्यू तो इसे लिख सकते हैं वन बाय बी इंटू अंडर रूट ऑफ़ टू एम इंटू टू वी अपॉन क्यू जिसे लिखा जा सकता है अंडर रूट ऑफ वन बाय बी इंटू अंडर रूट ऑफ टू एम वी अपॉन क्यू यानी कि अंडर रूट ऑफ टू आर के बराबर जो कि हमारा बी वाला आंसर है ठीक है सो आर डैश इज इक्वल टू अंडर रूट टू आर इज द आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देर आर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन ए रीजन पॉइंटिंग अलोंग एक्स एक्सिस एंड अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अलोंग वाई एक्सिस विद वेलोसिटी वी द शेप ऑफ द ट्रेजेक्ट्री विल बी सर्कुलर इन एक्स जेड प्लेन सर्कुलर इन वाई जेड प्लेन हेलिकल विद इट्स एक्सेज पैरल टू एक्स एक्सेस और हेलीकल विद इट्स एक्सेस पैरल टू वाई एक्सेस इसका आंसर होगा सी हेलीकल विद इट्स एक्सेस पैरल टू एक्स एक्सेस ये हम थियोरी में एक्सप्लेन कर चुके हैं वहाँ से आप जाके दोबारा अंडरस्टैंड कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है तो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इलेक्ट्रॉन मूवस अलॉन्ग प्लस एक्स डायरेक्शन इट एंटर्स इन टू ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी डायरेक्टेड अलॉन्ग माइनस जेड डायरेक्शन एज शोन इन फिगर ड्रॉ द शेप ऑफ ट्रेजेक्ट्री फॉलोड बाय द इलेक्ट्रॉन आफ्टर एंटरिंग द फील्ड तो ये हो गया प्लस एक्स और माइनस जेड में आपका मैग्नेटिक फील्ड है ठीक है जी हमें ट्रेजेक्ट्री बनानी है तो ये बनेगी आपकी सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री ठीक है यानी कि सर्कुलर पाथ बनेगा एक्स वाई के प्लेन में और क्लॉकवाइज आएगा ठीक ना फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस याद करो एफ इक्वल टू द क्यू वी क्रॉस बी ठीक है क्यू की जगह है इलेक्ट्रॉन सो माइनस ई वी इज अलोंग एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस सो वी आई और बी इज़ अलोंग नेगेटिव जेड डायरेक्शन सो माइनस ऑफ के ठीक तो ये बना आई क्रॉस के क्या होता है माइनस ऑफ जे सो ये क्या हो गया नेगेटिव एक्सिस पे आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन एन अल्फा पार्टिकल एंड अ प्रोटॉन ऑफ द सेम काइनेटिक एनर्जी आर इन टर्न अलाउड टू पास थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड बी एक्टिंग नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल्स कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ द सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब बाय देम तो भाई हमें क्या गिवन है हमें गिवन है कि काइनेटिक एनर्जी सेम है उसे हमने के से रिप्रेजेंट किया रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ का फॉर्मूला जिसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ टू एम के अपॉन क्यू बी क्योंकि एम वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू एम के के बराबर होता है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ फॉर एल्फा पार्टिकल आएगा आर एल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू एम एल्फा के अपॉन क्यू एल्फा बी रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ फॉर प्रोटॉन आएगा आर पी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू मास ऑफ प्रोटॉन इनटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन इनटू मैग्नेटिक फील्ड अगर हम इनका रेशियो निकालें तो वो हमारे पास आता है क्यू पी बाय क्यू एल्फा इंटू अंडर रूट ऑफ एम एल्फा बायम पी या हमने क्या किया क्यू एल्फा की जगह टू क्यूपी लिखा और एम एल्फा की जगह फोर एम पी लिखा इसे सॉल्व करते हैं तो ये आर एल्फा बाय आर पी जो है

तो आर डी बाय आर एल्फा टू के बराबर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन अ प्रोटॉन अ ड्यूट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस एंड देन सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ देयर मोशंस कंपेयर देयर काइनेटिक एनर्जीज सेकंड इफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पार्ट डिस्क्राइब बाय प्रोटॉन इज फाइव सेंटीमीटर डिटरमाइन द रेडियाई ऑफ द पार्ट डिस्क्राइब बाय ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल तो सबसे पहले हमें क्या क्या गिवन है पोटेंशियल ऑफ प्रोटॉन ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल इज सेम उसे हम वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बी पार्ट में रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब बाय प्रोटॉन फाइव सेंटीमीटर है वो बाद में देखेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है इनकी काइनेटिक एनर्जीज को कंपेयर करना है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है के इक्वल टू क्यू वी काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन हम कहेंगे क्यू इंटू वी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन को हम कहेंगे क्यू इंटू वी क्योंकि ड्यूट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है तो ये सेम ही आ रहा है ना काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल होगा के अल्फा इज इक्वल टू तो टू क्यू इन टू वी क्योंकि अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज है वो टू क्यू होता है ठीक है तो अगर हम इसका रेशो देखें तो वन इज टू वन इज टू टू आएगा अब आ जाते हैं बी पार्ट के ऊपर बी पार्ट में रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ की अगर हम बात करें तो वो होता है आर इज इक्वल टू तो एम वी बाई क्यू बी या अंडर रूट ऑफ टू एम के अपॉन क्यू बी ठीक है प्रोटॉन के लिए निकालें तो आपका आर पी निकलेगा फाइव सेंटीमीटर हमें गिवन ही है ठीक है तो यह आएगा अंडर रूट ऑफ टू एम पी के पी अपॉन क्यू पी बी इज इक्वल टू फाइव सेंटीमीटर ड्यूट्रॉन के लिए निकालें तो वो होगा अंडर रूट ऑफ टू एम डी के डी अपॉन क्यू डी इन टू बी ठीक है अच्छा यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है टू टू एम पी के पी अपॉन बी लिख दिया अब ये हमने कहाँ से लिया कि आपका जो मास है मास ऑफ ड्यूट्रॉन इज प्रोटॉन इसीलिए लिखा हुआ तो इसे लिखा जा सकता है ठीक अंडर रूट ऑफ टू इन टू आर पी दैट इज फाइव अंडर रूट टू सेंटीमीटर प्रोटॉन के लिए अगर हम देखें तो आर अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू एम एल्फा के एल्फा अपॉन q एल्फ़ा इंटू बी ठीक है ना अल्फा पार्टिकल का मास फोर टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन होता है तो वो हमने यहाँ पुट कर दिया ठीक है चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है वो टू टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है वो भी हमने वैल्यू पुट कर दी दूसरी चीज़ अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी जो है अल्फा पार्टिकल की वो भी तो ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन होती वो भी हमने पुट किया इन सबको सॉल्व किया तो ये भी आया अंडर रूट ऑफ टू इंटू आर पी जो कि हमें आंसर देता है फाइव अंडर रूट टू सेंटीमीटर सो इनका रेशो अगर हम निकालें तो वो आपका आता है टू प्रोटॉन्स पी एंड क्यू मूविंग विद द सेम स्पीड पास थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड्स बी वन एंड बी टू रेस्पेक्टिवली एट राइट एंगल्स टू द फील्ड डायरेक्शंस इफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी टू इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन विच ऑफ़ द टू विल डिस्क्राइब द सर्कुलर पाथ ऑफ स्मॉलर रेडियस ना रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ का फॉर्मूला होता आर इज इक्वल टू एम वी बाय क्यू बी क्वेश्चन के हिसाब से एम वी और क्यू सेम है इसका मतलब आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बी एक और चीज जो क्वेश्चन में गिवन है कि बी टू का मैग्नीट्यूड बी वन के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा है इससे क्या होगा कि R2 जो है वो R1 से कम निकलेगा क्यों बिकॉज R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B अगर B2 ज्यादा है तो R2 कम निकलेगा इसका क्या मतलब निकला कि प्रोटोन क्यू विल डिस्क्राइब द सर्कुलर पाथ ऑफ स्मॉलर रेडियस नेक्स्ट क्वेश्चन अ चार्ज पार्टिकल क्यू इज मूविंग इन द प्रेजेंस ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड बी विच इज इंक्लाइन टू एन एंगल थर्टी डिग्री विदेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल ड्रॉ द ट्रेजेक्ट्री फॉलोड बाई द फील्ड एंड एक्सप्लेन हाउ द पार्टिकल डिस्क्राइब्स दिस पाथ तो ये तो हमने ट्रेजेक्ट्री और पूरा पाथ बना दिया ठीक है अब इसको एक्सप्लेन करते हैं देखिए जी दो कॉम्पोनेंट होंगे वेलोसिटी वैक्टर के एक आपका होगा वी साइन थीटा दूसरा आपका होगा v cos theta. और इन दोनों के कारण ये जो मोशन बन रहा है वो वो बनेगा जिसे हम helical motion कहते हैं जो v sin theta वाला component है वो क्या करेगा चार्ज पार्टिकल कॉज करता है और उसके कारण जो है सर्कुलर पाथ आता है v cos theta वाला जो है इट डज नॉट कॉज एनी फोर्स ऑन द पार्टिकल सो इट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन ठीक है Overall motion is a combination of circular and straight line motion, that is helical motion. Next question A proton and an electron traveling along parallel paths enter a region of uniform magnetic field acting perpendicular to their paths. Which of them will move in a circular path with higher frequency? So, frequency of rotation ka formula hota nu equal to qb upon 2 pi m. प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम है सो न्यू इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सो फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोटॉन क्यों क्योंकि अगर मास कम है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा ही होगी इसका क्या मतलब निकलता है कि इलेक्ट्रॉन विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ विद हायर फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर वॉट कंडीशन विल अ पार्टिकल ऑफ मास एम एंड चार्ज क्यू मूविंग विद वेलोसिटी वी इन ए मैग्नेटिक फील्ड बी मूव इन ए सर्कुलर पाथ और दूसरा अ हेलिकल पाथ बी पार्ट है शो दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड रिमेंस कांस्टेंट तो सबसे पहला हम देखेंगे सर्कुलर पाथ सर्कुलर पाथ कब होता है वेन वी इज परपेंडिकुलर टू बी और हेलिकल पाथ कब होता है वैन वी इज़ नाइदर पैरल नॉर परपेंडिकुलर टू बी अब आ जाते हैं बी वाला पार्ट जिसमें हमें काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट प्रूव करनी है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल होता है हाफ एम वी स्क्वायर ठीक है इसे लिख सकते हैं हाफ एम और वी की जगह हमने लिखा क्यू बी आर अपॉन एम ठीक है क्योंकि वी इक्वल टू क्यू बी बाई आर बाय एम होता ही है तो ये बना क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टू एम ठीक है फॉर ए गिवन सेट ऑफ कंडीशन क्यू बी आर और एम सारे ही कॉन्स्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी कॉन्स्टेंट ही रहेगी नेक्स्ट क्वेश्चन एन इलेक्ट्रॉन आफ्टर बीइंग एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ टेन टू द पावर ऑफ फोर वोल्ट एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ जीरो पॉइंट जीरो टेस्ला परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन कैलकुलेट द रेडियस ऑफ करवेचर ऑफ इट्स ट्रेजेक्ट्री क्या क्या गिवन है वी इज इक्वल टू टेन टू द पावर ऑफ फोर वोल्ट बी इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो फोर टेस्ला रेडियस ऑफ ट्रेजेक्ट्री होता है आर इक्वल टू एम वी बाय क्यू बी एम वी की जगह हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ टू एम के अपॉन क्यू बी ठीक है यहाँ पे हम के की जगह लिख सकते हैं क्यू वी तो ये हमारा बना आर इज इक्वल टू वन बाय बी इंटू अंडर रूट ऑफ टू एम क्यू वी अपॉन क्यू स्क्वायर क्योंकि के इक्वल टू क्यू वी होता है इसको सॉल्व किया तो आया आर इज इक्वल टू वन बाय बी इंटू अंडर रूट ऑफ टू एम वी अपॉन क्यू इसमें वैल्यूज रखी तो आर निकलता है एट पॉइंट फोर इंटू टेन टू द पावर ऑफ माइनस थ्री मीटर नेक्स्ट क्वेश्चन अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल मूव परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ द सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब बाय देम व्हेन बोथ पहले पार्ट में हैव इक्वल मोमेंटा दूसरे में वर एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस सो so, पहला ले लेते हैं इक्वल मोमेंटा वाला तो प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का मोमेंटम सेम है उसे हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ होता है आर इज इक्वल टू पी अपॉन क्यूब बी फॉर प्रोटॉन इट विल बी आर पी इज इक्वल टू पी अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन इनटू मैग्नेटिक फील्ड अल्फा पार्टिकल के लिए होगा आर अल्फा इज इक्वल टू पी अपॉन चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू मैग्नेटिक फील्ड दोनों को अगर डिवाइड करें तो यह आता है आर पी बाय आर अल्फा इज इक्वल टू क्यू अल्फा अपॉन क्यू पी क्यू एल्फा इज ट्वाइस ऑफ क्यू पी तो ये हमारा आर पी बाय आर अल्फा टू के बराबर आ जाता है या हम लिख सकते हैं आर पी बाय आर अल्फा इज इक्वल्स टू टू यानी कि रेशो जो है, इन दोनों का के बराबर है। दूसरे पार्ट पेल टू वन अपॉन बी इंटू अंडर रूट ऑफ टू एम वी अपॉन क्यू ये हम कैसे आए पिछले कई क्वेश्चन में बता चुके वहां से अंडरस्टैंड कर सकते हैं फॉर प्रोटॉन इट विल बी आर पी इज इक्वल टू वन बाई बी इंटू अंडर रूट ऑफ टू एम पी वी अपॉन क्यू पी एल्फा पार्टिकल के लिए होगा आर एल्फा इज इक्वल टू वन बाय बी इंटू अंडर रूट ऑफ टू एम एल्फा वी अपॉन क्यू एल्फा दोनों को अगर डिवाइड करें तो ये हमारे पास आता है अंडर रूट ऑफ एम पी क्यू एल्फा अपॉन एम एल्फा क्यू पी ठीक है नाउ चार्ज ऑफ एल्फा इज ट्वाइस ऑफ क्यू पी एंड मास ऑफ एल्फा इज फोर टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन तो ये हमारे पास आया आर पी बाय आर एल्फा इज इक्वल टू वन बाय अंडर रूट टू या फिर आर पी बाय आर एल्फा इज इक्वल टू वन बाय अंडर रूट ऑफ टू नेक्स्ट क्वेश्चन अ प्रोटॉन एंड एन एल्फा पार्टिकल मूव परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ द सर्कुलर पार्ट डिस्क्राइब बाय देम व्हेन बोथ हैव पहला पार्ट इक्वल वेलोसिटीज दूसरा इक्वल काइनेटिक एनर्जी तो पहला ले लेते हैं इक्वल वेलोसिटीज वाला सो वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू वी अच्छा रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ क्या होता है आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी प्रोटॉन के लिए होगा आर पी इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन इनटू वेलोसिटी अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन इनटू मैग्नेटिक फील्ड अल्फा पार्टिकल के लिए होगा आर अल्फा इज इक्वल टू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू वेलोसिटी अपॉन चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू मैग्नेटिक फील्ड दोनों को डिवाइड करें तो आर पी बाय आर एल्फा आता है एम पी इंटू क्यू एल्फा डिवाइडेड बाय एम एल्फा इंटू क्यू पी के बराबर अच्छा क्यू एल्फा की जगह हमने टू क्यू पी लिखा क्यों क्योंकि चार्ज ऑफ एल्फा पार्टिकल इज ट्वाइस ऑफ द चार्ज ऑफ प्रोटॉन और एम एल्फा की जगह हमने फोर एम पी लिखा क्यों क्योंकि मास ऑफ एल्फा पार्टिकल इज़ फोर टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन इसको सॉल्व करें तो आर पी बाय आर एल्फा वन बाय टू के बराबर आता है दूसरा पार्ट इक्वल काइनेटिक एनर्जी है सो के पी इज इक्वल टू के अल्फा इज इक्वल्स टू के ठीक है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू एम के अपॉन क्यू बी प्रोटॉन के लिए होगा आर पी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू एम पी के अपॉन क्यू पी बी और अल्फा पार्टिकल के लिए होगा आर अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू एम अल्फा के अपॉन क्यू अल्फा बी ठीक है दोनों को डिवाइड करें तो ये हमारे पास आता है क्यू अल्फा अपॉन क्यू पी इन टू अंडर रूट ऑफ एम पी बाय एम अल्फा इसमें हमने क्यू अल्फा की जगह टू क्यू पी और एम अल्फा की जगह फोर एम पी रखा सॉल्व किया तो ये हमारे पास आया वन के बराबर यानी कि आर पी बाय आर अल्फा इज इक्वल टू वन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द कॉज ऑफ हेलिकल मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल तो इसका आंसर है the charge particle moves inclined to the magnetic field yaham say that the angle between v and b is neither 90 nor 0 next question a point charge q moving with speed v enters a uniform magnetic field b that is acting into the plane of the paper as shown what is the path followed by the charge q and in which plane does it move बी पार्ट है हाउ डज पाथ फॉलोड बाय द चार्ज गेट अफेक्टेड इफ इट्स वेलोसिटी हैज़ अ कंपोनेंट पैरल टू बी तो सबसे पहले पार्ट पे आते हैं यहाँ हमें दिया गया है कि ये चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है इस वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड हो गई इनटू द पेज इसमें ध्यान दो वी और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और अगर वी और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं उस केस में क्या होता है कि आपका चार्ज जो है वो एक सर्कुलर पाथ को डिस्क्राइब करता है इसी में एक और चीज़ पूछी गई थी इन विच प्लेन डज इट मूव तो ये एक्स वाई प्लेन में मूव करेगा और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डेरिवेशन को दोबारा देखो वहां ही आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा उसमें भी एंटी क्लॉकवाइज ही मूव कर रहा था एक्स वाई प्लेन में अब आ जाते हैं बी पार्ट पे ये कह रहा है कि पाथ कैसे अफेक्ट होगा अगर वेलोसिटी का एक कॉम्पोनेंट बी के पैरेलल हो तो अगर सिर्फ पैरेलल कॉम्पोनेंट लें तो उसके कारण पाथ होता है स्ट्रेट बट अब इसके पास एक पैरेलल और एक परपेंडिकुलर दोनों कंपोनेंट है तो ओवरऑल पाथ जो है वो हेलिकल बन जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इज सेटअप द पॉजिटिव एक्स एक्सिस अ पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू एंड मास एम मूविंग विद वेलोसिटी वी एंटर्स द फील्ड एट द ओरिजिन इन एक्स वाई प्लेन सच दैट इट हैज वेलोसिटी कंपोनेंट्स बोथ अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड बी ट्रेस गिविंग रीजन दी फॉलोड बाई दल फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर द डिस्टेंस मूव बाटिक फील्ड इन वन रोटेशन सबसे पहले हमने क्या किया इसमें बोला गया था ना ट्रेस करो ट्रेजेक्ट्री तो भाई ये आपका पूरा ट्रेजेक्ट्री बन गई ठीक अच्छा ट्रेजेक्ट्री है कैसी है लिक्स है क्यों है वो बताते हैं। देखो पार्टिकल जो है वो एक सर्कुलर मोशन डिस्क्राइब करेगा वाइजेड के प्लेन में ड्यू टू दी वाई कॉम्पोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी तो ये सर्कुलर वाला आपको समझ आ गया दूसरा पार्टिकल विल मूव अलोंग एक्स एक्सिस दैट इज पैरल टू द फील्ड ड्यू टू दी एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी तो इसकी ट्रेजेक्ट्री जो होगी ओवरऑल में वो हेलिकल हो जाएगी तो ये ट्रेजेक्ट्री वाला समझ आ गया अब हमें निकालना है डिस्टेंस मूव बाय द पार्टिकल Now, the distance moved along the magnetic field in one rotation, x is equal to v x into t and that gives 2 pi m v x upon Qb. Next question, a uniform magnetic field of 6.5 into 10 to the power of minus four Tesla is maintained in a chamber. An electron enters into the field with a speed of 4.8 into 10 to the power of 6 meter per second normal to the field.

दूसरे में हमें क्या निकालनी है फ्रीक्वेंसी तो देखते हैं क्या क्या गिवन है हमें मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी गिवन है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है न्यू इक्वल टू क्यूबी बाई टू पाई एम इसमें वैल्यूज़ रखी तो हमारी फ्रीक्वेंसी आती है वन पॉइंट एट इंटू टेन टू पावर ऑफ सेवन हर्ड्स तीसरा क्या फ्रीक्वेंसी स्पीड पे डिपेंड करती है जी नहीं करती क्यों क्योंकि न्यू इक्वल टू होता है क्यू बी अपॉन टू पाई एम इसमें कहीं वेलोसिटी आई नहीं रही सो न्यू इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वी Next question, deduce an expression for the frequency of revolution of a charged particle in a magnetic field and show that it is independent of velocity or energy of the particle. So, in this, we have to derive karna hai, nu equal to qb upon 2 pi m. Next question, a proton and a deutron having equal momenta enter in a region of uniform magnetic field at right angle to the direction of the field. पहला पार्ट है डिपिक द ट्रेजेक्ट्रीज इन द फील्ड दूसरा है वॉट वुड बी द रेशो ऑफ द सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब्ड बाय देम तो सबसे पहले हमें डिपिक करनी है ट्रेजेक्ट्री उसके लिए ध्यान रखिए इफ अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इट फॉलोज अ सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री तो ये हो गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड इन टू द पेज ये हो गया मेरा चार्ज पार्टिकल अब यहाँ पे ये चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द पेज तो अगर मैं फ्लैमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाता हूँ तो उससे मैं फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकता हूँ और वो फोर्स की डायरेक्शन ये आएगी ये लेगा सर्कुलर ऑर्बिट बट इस डायरेक्शन में लेगा ठीक है दूसरा आप ड्यूट्रॉन लो अगेन ये भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ये भी ऐसे ही जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड इन टू द पेज है फ्लैमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे एफ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी लगाओगे उससे यही इसका पाथ आएगा अच्छा अब आ जाते हैं बी वाले पार्ट पे रेशियो ऑफ सर्कुलर पाथ्स निकालना है हमें गिवन है मोमेंटम सेम है चार्ज सेम है ठीक और मैग्नेटिक फील्ड तो सेम ही है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ क्या होता है आर इज इक्वल टू तो पी अपॉन क्यू बी अच्छा अब यहाँ ध्यान दो पी क्यू और बी ये तीनों ही सेम है तो पहले हमने प्रोटॉन का आर पी निकाला फिर हमने ड्यूट्रॉन का निकाला दोनों को डिवाइड किया तो वन इज़ टू वन ही आना था क्योंकि सारी चीज़ें तो सेम है नेक्स्ट क्वेश्चन वेन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग विद विदोसिटी वी इज सब्जेक्टेड टू मैग्नेटिक मैग्नेटिकील्ड बी इज नॉन जीरो वुड द पार्टिकल गेन एनी एनर्जी सो द आंसर इज नो बिकॉज द चार्ज पार्टिकल मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इज एफ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी एंड पावर डिसिपेटेड इज पी इक्वल टू एफ क्रॉस वी इसमें हमने एफ की वैल्यू लिखी और सॉल्व किया तो इसे हम लिख सकते हैं क्यू V cross v cross b. Yafir p equal to zero because v cross v 0hota. So power is equals to zero and the particle does not gain any energy. Next question, A particle of charge Q and mass m is moving with velocity v. it is subjected to a uniform magnetic field b directed perpendicular to its velocity, show that it describes a circular path, राइट द एक्सप्रेशन फॉर इट्स रेडियस तो हमें क्या करना है एक तो ये डायग्राम बनाना है और एक्सप्लेन करना है द केस ऑफ वेलॉसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड विच कॉजे सर्कुलर मोशन यानी कि वी परपेंडिकुलर टू बी का थियोरी में देखो पूरा एक्सप्लेन किया है वही सारी चीज़ आपने यहाँ एक्सप्लेन करनी है रेडियस का एक्सप्रेशन जो है वो होगा रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ आर इज़ इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू बी नेक्स्ट क्वेश्चन एन अल्फा पार्टिकल एंड अ प्रोटॉन मूविंग विद द सेम स्पीड एंटर द सेम मैग्नेटिक फील्ड रीजन एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड शो द ट्रेजेक्ट्रीज फॉलोड बाय द टू पार्टिकल्स इन द रीजन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड फाइंड द रेशो ऑफ द रेडियाई ऑफ द सर्कुलर पार्थ विद द टू पार्टिकल्स मे डिस्क्राइब तो हमें क्या गिवन है हमें गिवन है वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन इज सेम उसे हम वी से रिप्रेजेंट करेंगे ठीक है अच्छा रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी अब हम क्या करते हैं आर पी बाय आर एल्फा निकाल के उसको पुट करते हैं तो ये हमारे पास आता है एम पी क्यू एल्फा अपॉन क्यू पी एम एल्फा यहाँ पे हमने क्या किया क्यू एल्फा की जगह टू क्यू पी लिखा और एम एल्फा की जगह फोर एम पी लिखा तो ये मेरे पास आता है आर पी बाय आर एल्फा इज इक्वल टू वन बाई टू अब हम इनकी ट्रेजेक्ट्रीज दिखाएंगे तो सबसे पहले ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड इन द पेज सबसे पहले हमने लिया प्रोटोन प्रोटोन मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है इन द पेज तो ये एक सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री लेगा और अगर हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाए तो ये हो गया इसका एंटी क्लॉकवाइज में मूवमेंट दूसरा हमारा है अल्फा पार्टिकल अल्फा पार्टिकल अगेन पॉजिटिव है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड पेज है तो ये भी एक सर्कुलर लेगा ठीक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेकिन इसका रेडियस प्रोटोन के मुकाबले के रेडियस के मुकाबले डबल होगा क्योंकि यहां अभी अभी तो हमने पता किया तो ये बन गया नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं ये कहता है एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन मूविंग विद द सेम स्पीड एंटर द सेम मैग्नेटिक फील्ड रीजन एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड शो द ट्रेजेक्ट्री फॉलोड बाय द टू पार्टिकल्स इन द मैग्नेटिक फील्ड फाइंड द रेशो ऑफ द रेडियाई ऑफ द सर्कुलर पाथ्स विद द पार्टिकल्स में डिस्क्राइब तो क्या गिवन है हमें गिवन है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज सेम उसे हम वी से रिप्रेजेंट करेंगे सबसे पहले रेशो निकाल लेते हैं फिर हम इनके ट्रेजेक्ट्री बनाएंगे रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है आर इज इक्वल टू एम वी बाय क्यू बी इसमें हम क्या करेंगे आर पी बाय आर ई निकालते हैं तो ये हमारे पास आता है एम पी क्यू ई अपॉन क्यू पी एम ई क्यू पी और क्यू ई सेम ही होता है तो क्यूपी की जगह क्यू ई लिख दिया लेकिन एम पी इज वन एट फोर जीरो टाइम्स ऑफ एम ई तो वो किया इससे हमारे पास आर पी बाय आर ई आता है वन एट फोर जीरो अब हम इसके बाद ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड इन टू द पेज सबसे पहले हमने लिया प्रोटॉन ठीक है प्रोटॉन आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड इन टू द पेज है सो इट विल गो इन द एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन एंड इट विल हैव अ सर्कुलर ऑर्बिट ठीक है तो ये बन गया आपका प्रोटॉन के लिए ठीक है अब आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रॉन जो है उसका चार्ज ऑपोजिट है तो ऑब्वियसली इसकी ट्रेजेक्ट्री इस डायरेक्शन में होगी दूसरी चीज देखो कि रेडियस ऑफ प्रोटॉन जो है वो रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन के 1.840 टाइम्स है इसका मतलब ये तो बहुत ज्यादा है तो ये वाली ट्रेजेक्ट्री बहुत ही छोटी आनी चाहिए इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन अचार्ज क्यू मूविंग अलोंग द एक्स एक्सेस वेलोसिटी वी इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एक्टिंग इट द्रॉसेज द ओरिजिन

फोर्स ऑन द पार्टिकल होगा एफ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी पावर डिसिपेटेड होगा पी इक्वल टू एफ क्रॉस वी इसमें हमने एफ की वैल्यू रखी इसे लिख सकते हैं क्यू इन ब्रैकेट वी क्रॉस वी क्रॉस बी वी क्रॉस वी जीरो हो जाएगा तो पी इक्वल टू आ गया जीरो ठीक है सो पी इक्वल टू जीरो एंड द पार्टिकल डज नॉट गेन एनी एनर्जी नाउ इज द टाइम फॉर एक्नॉलेजमेंट गूगल बिंग एनसीआर टी सब धन्यवाद अगर कहीं से कोई डेटा लिया गया है तो and do watch the next video which is on cyclotron. Thank you so much.